नेक्स्ट so है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का शो जी स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें पहले हमने शो क्या करना है कि ये जो हमारे पास दो जी वन की जी टू वैल्यू दिए गए हैं जी की ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सेटिसफाइड मीन कि अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें जिस तरह हमारे पास कोई इक्वेशन होता है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि x की वैल्यू क्या दे दे, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू थ्री दे दे, तो ये सिक्स और y की वैल्यू क्या दे दे वन तो ये हमारे पास आता है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं तो टू और थ्री सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन सेवन इज टू सेवन तो इसको हम कहते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है इफ़ एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू वन ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये हमारे पास माइनस वन प्लस आई दोनों रियल और इमेजनरी पार्ट तो हमने इसको वन बाई वन इसमें पुट करना है कि क्या इस इक्वेशन से जो हमारे पास जीरो आता है राइट हैंड साइड पे वो आता है कहीं नहीं आता अगर आता है तो इट मीन्स कि ये सीटिस्फाई करता है शो देट मीन्स कि ये ऑलरेडी उन्होंने ट्राई किए हुए हैं बट आपने इसको प्रूव करना है उस उसमें पुट करना है ठीक है सो इसको हमें इस तरह प्रूव करना है शो करना है कि ये हमारे इसको सेटिस्फाई करता है सो so, फर्स्ट हम क्या करते हैं पुट जी वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा इन फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है हम इक्वेशन वन कहते हैं तो इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पुट करें अब जी स्क्वायर है हमारे पास प्लस टू जी प्लस टू अब ये हमारे पास क्या है जीरो है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने इसको लेना है और इसको हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड यानी जीरो के बराबर है तो लेफ़्ट हैंड साइड में जी स्क्वायर है तो जी की जगह हमने माइनस वन लेना है माइनस वन प्लस आई इसकी स्क्वायर लेनी ही है प्लस टू इंटू जी है तो जी की जगह हमने माइनस वन प्लस आई इसके बाद प्लस टू अब ये अगर हमारे पास ज़ीरो आता है लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड इट मीन्स कि ये z1 की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अब इसकी स्क्वायर uh, ले लें माइनस वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर ये हमारे पास प्लस टू आ जाएगा माइनस वन इंटू आयोटा ठीक इसके बाद आ जाएगा ये प्लस ये माइनस आ जाएगा टू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आ जाएगा और इसके बाद प्लस टू आयोटा आ जाएगा प्लस टू अब देखिए इसको हमने माइनस वन स्क्वेयर आ जाएगा तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या आ गया वन प्लस आयोटा स्क्वायर अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस वन ये प्लस टू और माइनस वन है तो माइनस टू आयोटा आ जाएगा माइनस टू प्लस टू आयोटा और ये प्लस टू अब देखिए वन वन के साथ कैंसिल हो गया ये माइनस टू आयोटा ये प्लस टू आयोटा ये माइनस टू ये प्लस टू सारे कैंसल हो गए तो हमारे पास जीरो आ गया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड था तो ये हमारे पास शो हो गया कि ये जो जी वन की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अब सेकेंड देखें इसी इक्वेशन में पुट जी टू इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा इन इसी इक्वेशन वन में पुट करें सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वन का जी स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू ठीक है राइट हैंड साइड पे जू है तो हमने इसको जीरो के बराबर शो करना है जी स्क्वायर की जगह हम लेते हैं माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस आयोटा प्लस टू ये माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास माइनस वन माइनस आयोटा है तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और इधर हमारे पास माइनस क्योंकि इधर प्लस आया था हमारे पास प्लस था तो इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा सो माइनस इंटू माइनस वन आयोटा इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा माइनस टू माइनस वन है तो माइनस टू हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस टू आयोटा आ जाएगा और इसके बाद प्लस है ठीक है चलो अब इसको भी करते हैं ठीक है अब माइनस वन स्क्वायर जो होता है हमारे पास हमारे पास क्या होता है वन के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस वन होता है ठीक है अब ये माइनस और माइनस प्लस आ जाता है तो प्लस टू आयोटा आ जाएगा अब ये माइनस टू है ये प्लस टू तो कैंसिल आ जाएगा इसके बाद माइनस टू आयोटा ये वन और वन ये प्लस टू आयोटा माइनस टू आयोटा तो इधर भी हमारे पास जीरो आ गया जो हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन के बराबर है सो इट कि ये हमारे पास शो हो गया कि ये दोनों z1 वन और जी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ठीक है जी हमारे पास शो हो गया सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर डिटरमाइन वेदर वन प्लस टू आयोटा इज ए सोल्यूशन ऑफ जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वन प्लस टू आयोटा है ये इस इक्वेशन का सोलूशन है तो इसको प्रूव करने के लिए हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हमारे पास ये जीरो के बराबर आ गया जिस तरह मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था सेवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन इस तरह का मैंने एग्जाम्पल दिया था एक्स वाई वैल्यू तो ये अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इट मीनस कि ये उसका सोलूशन है सो लेट्स ये हम इक्वेशन लेते हैं इसको हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं पुट वन प्लस टू आयोटा इन इक्वेशन वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इसका जी स्क्वाइनस टू जी प्लस फाइव सो जी की वैल्यू पुट करते हैं वन प्लस टू आयोटा स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस टू अयोटा प्लस फाइव अब इसको हमने सॉल्व करना है अगर ये जीरो के बराबर आ गया फिर ये हमारे पास वन प्लस टू अयोठा जो रूट है ये इसका सलूशन होगा इस स्क्वायर को कूल दे हमारे पास वन स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू अयोटा स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी का फार्मूला है तो हमारे पास प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस टू आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा फोर आयोटा प्लस फाइव ये आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ले ले फोर आ जाएगा अयोठा स्क्वायर ये प्लस और प्लस हमारे पास फोर अयुठा आ जाएगा माइनस ये माइनस टू है ये प्लस फाइव है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस थ्री माइनस फोर आयोटा अब ये फोर आयोटा है ये माइनस फोर आठा यह तो कैंसिल हो गया वन स्क्वायर से वन ही आता है और प्लस थ्री ये वन आ गया हमारे पास चलो स्टेप वाइज करते हैं प्लस अब ये फोर अयोठा स्क्वायर है तो हम फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है वन सो वन प्लस थ्री फोर माइनस फोर तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया हमारे पास जीरो और ये हमारे पास राइट हैंड साइड सो उसने जो सवाल पूछा था क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर वन प्लस टू इज अ सल्यूशन तो आप इसको लिख सकते हैं कि यस वन प्लस टू अयोटा इज दल्यूशन ऑफ z square minus 2z plus 5 is equal to टू So ये आपका आंसर आ गया जवाब So next है हमारे पास question number फाइव exercise वन पॉइंट थ्री का find all the solution to the following equation z square plus z plus 3 is equal to टू ये first part है So first part क्योंकि यह हमारे पास जो पेज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास क्वाडरेटिक इक्वेशन है तो जो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो हमारे पास है ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हम देखते हैं ये अगर क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ठीक है क्योंकि इसका जो सलूशन है हमारे पास वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर आर डिवाइड बाय टू ए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसका हमारे पास क्या है सल्यूशन है तो आप इसको साइड में लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सोल्यूशन है अब देखिए इसको हमने इसी फॉर्म में ये जी स्क्वायर है जी स्क्वायर जी प्लस सी कांस्टेंट इज इक्वल टू तो जीरो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इधर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि ये वन है B की वैल्यू क्या है इधर Z क्योंकि वन z है सिर्फ तो वन है C की वैल्यू हमारे पास क्या है जो कांस्टेंट है वो थ्री है तो अब इसको हमने लिखना है उसी फार्मूले में अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला कि हमारे पास z किसके बराबर है माइनस b है सो माइनस b हमारे पास वन है तो हमने माइनस वन लिखना है इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र तो बी हमारे पास वन है माइनस फोर ए हमारे पास वन है सी हमारे पास थ्री है ये सारे अंडर रूट के नीचे और ओवरऑल हमारे पास क्या है टू इंटू ए ए हमारे पास क्या है वन सो so, इसको हम सॉल्व करते हैं माइनस वन प्लस माइनस अंडर रोड इससे हमारे पास वन आ जाएगा माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व आ जाएगा डिवाइड बाई टू आ जाएगा फर्दर इसको करते हैं माइनस वन प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व अंडर रूट डिवाइड बाई टू आ जाएगा अब इसको फर्दर देखे क्या क्योंकि ये हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि ये हमारे पास क्योंकि ये माइनस uh, 12 है सॉरी uh, ये माइनस ट्वेल्व वन तो ये माइनस एलेवन आ जाएगा इधर माइनस एलेवन अब ये जो हमारे पास है इसको इधर शिफ्ट करते हैं इज़ इक्वल टू सो ये माइनस वन आ गया प्लस माइनस ठीक सो माइनस को अगर हम इससे बाहर निकाल सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि माइनस आयोटा की जो कीमत होती है वो माइनस वन अंडर रूट होता है ठीक है सो माइनस वन इसको हम अगर आयोटा लिखते और अंडर रूट एलेवन लिखते ठीक है क्योंकि आयोटा को अगर अंदर लेके माइनस वन होगा तो माइनस वन हमने बाहर निकाला इससे तो ये आयोटा बन गया या इसको आप इस तरह लिख सकते कि जो माइनस वन अंडर रूट है ये हमारे पास माइनस वन इंटू एलेवन अंडर रूट तो माइनस वन अंडर रूट इंटू एलेवन अंडर रूट तो ये आयोटा इंटू एलेवन अंडर रूट ये आ गया ठीक। सो तो ये है और नीचे हमारे पास क्या आ गया टू आ गया अब इसको मजीद देखें कि इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सो तो, ये हमारे पास माइनस वन इधर रह गया था सो so, अब देखिए ये हमारे पास आ गया माइनस वन क्योंकि हम दोनों टू ये माइनस वन ओवर टू आ गया ये प्लस माइनस इलेवन अंडर रूट ओवर टू आयोटा आ जाए अब ये हमारे पास इसका क्या है सोलूशन है इसको एक दफा प्लस ले ले और एक दफा माइनस ले ले या इसी तरह ही छोड़ दे तो इट्स अप यू, का आप किस तरह इसको बट ये इसका सोलूशन आ गया ठीक है सो माइनस वन ओवर टू प्लस ले ले एक दफ़ा एलेवन अंडर रूट डिवाइड बाई टू आयोटा तो एक ये सोल्यूशन आ गया क्योंकि उसने जो फाइंड ऑल सल्यूशन ऑल मीन्स के सारे सोल्यूशन तो ये एक सोल्यूशन आ गया और माइनस वन ओवर टू इधर प्लस लिया तो ये माइनस ले ले 11 अंडर रूट डिवाइड बाई टू आयोटा ये सेकेंड सोल्यूशन तो ये हमारे पास इसके दो सल्यूशन आ गए सो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइनल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन है जी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा जी अब ये हमने लास्ट में लिखा था कि ये हमारे पास क्या है हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही ले आना है इसको हम किस तरह ला सकते हैं जी स्क्वायर ये जो प्लस आयोटा जी स्क्वायर उस आयोटा जी उस साइड में इसको इधर लेके आए तो ये माइनस अयोठा जी माइनस वन अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अब हम इसकी सोल्यूशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास इधर वन आ गया b की वैल्यू इधर हमारा अब देखिए क्योंकि इधर z है और b जो b z के अलावा जो होगा वो हमारा b होगा तो ये माइनस आयोटा हो गया और c की वैल्यू हमारे पास क्या रह गया क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वन आ जाएगा अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उस जी हमारे पास किस चीज वगैरह बता है माइनस बी सो so, बी हमारे पास माइनस आयोटा है माइनस आयोटा प्लस माइनस होदले लेके इसके बाद बी स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वायर इसके बाद है माइनस फोर ए सी ए हमारे पास वन है सी हमारे पास माइनस वन है और ओवरऑल डिवाइड बाय टू इंटू ए ए हमारे पास क्या है वन तो so, इसको मिनिमाइज करें इसको सॉल्व करें सो so, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस अयूठा उठा जाएगा प्लस माइनस अब ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका स्क्वायर ले ले, इसके बाद क्या आ जाएगा अयूठा स्क्वायर रह जाएगा ये माइनस फोर है और ये माइनस वन है तो ये माइनस और माइनस प्लस फोर आ जाएगा डिवाइड बाय टू थी। इसको मजीद आयोटा प्लस माइनस अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था कि ये माइनस वन के बराबर होता है प्लस फोर अंडर रूट डिवाइड बाय टू नेक्स्ट स्टेप इधर लिखते हैं अब आयोटा प्लस माइनस अब माइनस वन और प्लस फोर हमारे पास क्या जाएगा थ्री अंडर रूट डिवाइड बाय टू अब देखिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं आप रियल और जो इसका पार रियल और इमेजनरी पार्ट है वो किस तरह या आप इस तरह ही लिख सकते हैं कि ये इसका सलूशन आ गया या आप इसको अलग अलग जिस तरह हमने लास्ट में लिखा था कि आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास या आप आयोटा को ठीक है या प्लस माइनस थ्री अंडर रूट डिवाइड बाय टू प्लस आयोटा बाय टू इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये एक दफ़ा प्लस ले ले और एक दफ़ा माइनस ले ले या इसको इसी तरह ही लिखते जैसे आपको आसान लगे प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू दोनों तरह का सही है या एक दफ़ा प्लस ले ले एक दफ़ा आयोटा तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया सोलूशन क्योंकि इसके टू सोलूशन एक प्लस वाला एक माइनस वाला नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड पार्ट जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो इसके सल्यूशन फाइंड आउट करने इस इक्वेशन के क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वही हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका सोलूशन इस पर अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में है तो हमारे पास ए की वैल्यू इधर वन है बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू आयोटा है सो so, हमारे पास जो सोलूशन आएगा वो हमारे पास इस फार्मूला माइनस बी आएगा तो माइनस और बी जो है हमारे पास माइनस टू है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा फोर ए हमारे पास वन है सी हमारे पास अयोठा है हमारे पास टू इंटू वन अब ये माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस सो माइनस का स्क्वायर ले ले तो प्लस आ जाएगा और टू का स्क्वायर ले ले तो हमारे पास फोर आ जाएगा माइनस फोर आयोट आ जाएगा टू इंटू वन डिवाइड बाई टू इंटू वन टू आ जाएगा अब देखिए हमारे पास टू आ गया प्लस माइनस अब देखिए ये भी फोर है ये भी फोर है इससे हम फोर क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं वन माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाई टू इसको मज़ीद आप ले सकते हैं किस तरह ये हमारे पास टू प्लस माइनस आ गया ये फोर है क्योंकि फोर अंडर रूट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है फोर अंडर रूट हमारे पास टू के बराबर होता है तो ये फोर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसको टू निकाल दें इसके अंदर रह जाएगा वन माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाय टू इसको मज़ीद इधर ट्रांसफ़र कर अब ये देखिए इधर भी टू है इधर भी टू है तो टू को हम कामन ले सकते हैं हमारे पास वन प्लस माइनस वन माइनस आयोटा रह जाएगा डिवाइड बाय टू अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वन प्लस माइनस वन माइनस आयोटा रह जाएगा सो so ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है सोलूशन है एक दफ़ा प्लस ले ले और एक दफ़ा माइनस ले ले तो ये आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का लास्ट पार्ट हमारे पास जी स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो अभी हमारे पास उस क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो नहीं है बट हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं कौन सा फार्मूला जो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक इसकी फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो बट ये है कि इधर हमारे पास प्लस है इसको हमने माइनस क्योंकि जी ये स्क्वायर है और ये टू का स्क्वायर है सो so, लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि ये जी का स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास टू का स्क्वायर है ठीक इज एक टू ज़ीरो अब ये माइनस करने के लिए हमने क्या करना है इसको हम माइनस करते हैं जब हम ये माइनस करते हैं तो हमारा पास एक माइनस और भी क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा टू स्क्वायर आ जाएगा सो तो ये जी स्क्वायर माइनस अब ये जो माइनस वन है ये हमने पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस वन होता है सो तो ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा अब टू आ जाएगा स्क्वायर ठीक

इज इक्ल टू जीरो अब देखिए ये जीरो के बराबर है दोनों तो इसमें ये भी जीरो के बराबर हो सकते हैं और ये भी हो सकता है सो तो लिहाजा जी प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो आइडर आर जी माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो सो तो इसमें जी की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर प्लस टू है उस साइड में लेके आए तो ये हमारे पास माइनस टू अयोधा आ जाएगी और इसी तरह ये z हैं तो माइनस टू हैं तो ये उधर लेके जाए तो ये हमारे पास टू आई उठा आ जाएगी तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू आई आ जाए ये इसका सल्यूशन है इसका अगर नहीं तो आप प्लस टू या माइनस टू इसमें पुट करें तो आपके पास वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी